हेलो फ्रेंड्स, एनबीटी लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। चेहरे से थकान और डलनेस हटाने के लिए फेशियल एक अच्छा तरीका है। कई लड़कियां इसके लिए मार्केट से फेशियल किट खरीदती हैं, लेकिन जब आपको पता चलेगा कि आप खुद ही घर बैठे आसानी से फेशियल किट बना सकती हैं तो सोचिए इतना किफ़ायती होगा। आज हम आपको अपने इस ब्यूटी वीडियो में कम खर्च में पाई जाने वाली नेचुरल चीज़ों से फेशियल किट बनाना सिखाएंगे। इसके उपयोग से आप अपने मुरझाए हुए चेहरे को ग्लोइंग बना सकती हैं। तो आइए अब बिना देर किए हुए देखते हैं ये वीडियो। फेशियल हमेशा साफ त्वचा पर ही किया जाता है, जिसके लिए हमारा पहला स्टेप क्लींजिंग का होगा। इसके लिए एक कटोरी में रोज वाटर डालेंगे, फिर कॉटन लेंगे और उससे अपने चेहरे को क्लीन करेंगे। फिर कम से कम 2 मिनट के लिए वेट करेंगे। अब हम एक क्लींजिंग क्रीम या जेल की तैयारी करेंगे, जिसके लिए एक कटोरी में 1 चम्मच एलोवेरा जेल डालेंगे, फिर उसमें 1 छोटा चम्मच ग्लिसरीन मिलाएंगे। उसके बाद इसमें विटामिन ई की एक कैप्सूल मिलाएंगे। इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करें। और फिर इससे अपने चेहरे की मसाज करें। आपको लगभग 5 मिनट के लिए चेहरे की नीचे से ऊपर की ओर मसाज करनी है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप स्क्रबिंग का होगा, जिसके लिए एक कटोरी में हम ग्रीन टी लेंगे। उसके बाद इसमें 1 चम्मच बेसन मिलाएंगे। आप इसे ज़्यादा मात्रा में भी बनाकर किसी कंटेनर में रख सकती हैं। चेहरे को स्क्रब करने से पहले उसमें 1 छोटा चम्मच शहद और फिर थोड़ा सा गुलाब जल मिक्स करेंगे। फिर इसे चेहरे पर लगाएं और 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से स्क्रब करें। जिन लोगों की स्किन ऑयली है या जिन्हें पिंपल्स की समस्या है, उनके लिए भी ग्रीन टी से बना स्क्रब बेहद इफेक्टिव होता है। अब चलिए फेशियल पैक बनाते हैं। इसके लिए 1 कटोरी में 1/2 चम्मच चंदन पाउडर लें, फिर उसमें 1/2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी मिलाएं। इसके बाद इसमें चुटकी भर हल्दी मिक्स करें। लीजिए, आपका फेशियल पैक तैयार है। इसको चेहरे पर लगाने से पहले इसमें शहद और रोज वाटर मिक्स करें। उसके बाद किसी ब्रश या फिर उंगलियों की मदद से इसे चेहरे पर लगाएं। पंद्रह मिनट तक इसे सूखने दें और फिर फेस को गुनगुने पानी से धो लें। आई होप आपको हमारा ये ब्यूटी वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और काम के वीडियो देखने के लिए NBT को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।